दी, हमने प्लान किया है कहीं विजिट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको हिसार पहुँच के ही बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ और मोनिका दी भी तैयार हो गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं, फिर आपको वहीं पे पहुँच के मिलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं हम, तो दिखाते हैं कहाँ पे आए हैं, एक सेकेंड बैक कैमरा करके दिखाते हैं। देखिए हम फिरोजा पैलेस और लाट की मस्जिद देखने के लिए आए हैं, और ये बस स्टैंड के सामने ही है बिल्कुल, मैं बाहर से भी दिखा दूंगी आपको। और ये यहाँ पे अगर आप मतलब व्हीकल लेके आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग एरिया है। और अब ये एंट्रेंस है इसकी, देखिए दिखाती हूँ थोड़ा सा लेट, ये देखिए इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे, देख सकते हो आप। तुगलक डायनेस्टी के टाइम का बना हुआ है, फिरोजशाह तुगलक ने फिरोजशाह हिसार और बहुत सारी सिटीज जो बसाई थी वो सब के मोन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे अभी तक। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स अब अंदर आ चुके हैं, एंट्री कर ली हम लोगों ने, एंट्री का सिंपल सा है, कुछ भी आपकी कोई फीस वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको अपनी कोई भी एक आईडी लेके आनी है, वो लोग आपका आईडी का नाम नंबर वगैरह रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आप अलाउ कर देंगे और आपका फोन नंबर वगैरह लिखेंगे और फिर आप चलते हैं अंदर। बहुत अच्छा मौसम है, दिखाते हैं आपको, हम भी देखते हैं साथ में क्योंकि हम भी पहली बार आए हैं। जो मेरे पीछे देख रहे हो आपकी ये तहखाना है यहाँ पे, चलिए अंदर चल के दिखाते हैं। तो दीदी जा चुके हैं, चलिए हम भी चलते हैं। ये यहाँ से है तहखाने का गेट, चलिए अंदर चलते हैं। दीदी हमें रास्ता दिखा रहे हैं, अंधेरा है काफी। चमगादड़ वगैरह की आवाज आ रही है, आगे नहीं जा रहे हैं। नहीं चलो दीदी दिखाना तो पड़ेगा, अंधेरा है बिल्कुल आगे। तो ये अंदर अंदर ऐसे ही है और काफी अंधेरा है, तो चलिए बाहर चलते हैं, चमगादड़ों की आवाज आ रही है, हमें लग रहा है डर भाई, तो चलिए अब ऊपर चल के देखते हैं। तो अच्छा और ये देखिए ऊपर छत पे आ गए हैं, और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, इतनी अच्छी आवाज चल रही है और पूरी छत है ऊपर, देख सकते हो आप, और बैठने के लिए भी पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, देख सकते हो आप। हाँ वो भी एक कोई मोन्यूमेंट है पुराना, साथ में वो भी देख सकते हो, बड़ी अच्छी जगह है। शाम को देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बैठने का मजा ही अलग है, बिल्कुल शांति है एकदम से। और ये अलग अलग जगह से वो बना रखे हैं रास्ते, रास्ते बनाए हुए निकलने के लिए, जैसे रास्ते से हम आए थे वैसा ही सेम रास्ता है, यहाँ पे भी है तहखाने के अंदर से निकलने का, ये यहाँ से स्टेयर से आके अंदर तक का पूरा रास्ता है, आवाज यहाँ से भी आ रही है। तो गाइस मैंने गजब बेइज्जती है, सारे की जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, वाटर स्टोरेज का यहाँ से बना हुआ है, ऐसे ऊपर से पानी का यहाँ पे स्टोरेज का कुछ है, और साथ में फिर यहाँ पे भी साथ में स्टोरेज का ही आई गेस कुछ है, अभी तो इसको कवर कर रखा है, प्रोटेक्टेड एरिया है ना ये, तो इस वजह से इसको कवर कर रखा है, तो मेरे को तो यही लग रहा है कि कुछ वाटर स्टोरेज से रिलेटेड ही होगा ये। बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार अच्छे से, अब तो इसके अंदर घास फूस उग गया है क्योंकि पानी वगैरह तो आता नहीं है। अब ये देखिए इसके ऊपर जाल लगाया हुआ है, और ये साइड से ये नाली दिख रही है ना, ये नाली ये पानी वगैरह आता होगा यहाँ से, जिंदल पार्क है साथ में। हाँ वो उधर जिंदल पार्क है साथ में, यहाँ से दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए इसके पास में ही है, दोनों की दीवारें लग रही हैं, आप वहाँ भी आ सकते हो। और ये देखिए इसका अंदर कितना सुंदर व्यू है ना, कितना पुराना प्रोटेक्टेड है ये एरिया, कितना अच्छे से मेंटेन कर रखा है अभी तक। पहले देखिए कितनी मतलब कैसे चीजें बनाते थे, कैसे पहाड़ों से पत्थरों से छोटी छोटी ईंटें लगा रखी है वहाँ पे, शायद पत्थर है वो दीदी, ये पत्थर है वो तो शायद ईंट लग रही है छोटी। हाँ वो तो ईंट है, वो जो टाइल्स ईंट नहीं होती वो वाली लग रही है शायद, और ये बीच में भी कुछ चक्कर टाइप का है। चलो यहाँ पे भी अंदर चल के देखते हैं, वहाँ से रास्ता है शायद। स्पेशली आज हमें तो ब्लेसिंग मिली है कि मौसम इतना अच्छा है तो मजा ही अलग आ रहा है घूमने का देखने का।
दे रहा है नीचे। भी काफी आते हैं अभी भी, आई गेस 30-40 विजिटर्स तो अभी भी होंगे करंट टाइम में। काफी लोग आते हैं यहाँ पे, अच्छी जगह है देखने की। चलिए अंदर चल के देखते हैं, ये गेट है, यहाँ से भी ऊपर जाने का ही है, शायद नीचे जाने का भी होगा। ये है भाई रैंप है, चल के देखते हैं। थोड़ा बहुत स्मेल बहुत गंदी आ रही है भाई यहाँ से तो। ये यहाँ से बस स्टैंड वाला एरिया पीछे से दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था आपको ये बस स्टैंड के सामने ही है, तो ये रहा बस स्टैंड। देखिए और भी ऊपर आ गए हैं, पहले हम वहाँ पे थे और अब यहाँ पे आ गए हैं इससे भी ऊंची जगह पे। ये देखिए नीचे किसी ने जाट लिखा हुआ है पत्थरों से, मतलब कोई तो नीचे तक पहुँचता है तभी उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ वहाँ से ये देखिए और भी ऊपर आ गई हूँ मैं, अब ये सबसे टॉप पे है, यहाँ से देखिए पूरा व्यू। चलिए अब नीचे चल के देखते हैं। चलिए अभी इसके नीचे अंदर जाने का रास्ता है, चलते हैं यहाँ से। यहाँ से बाहर निकल गए हैं, काफी रास्ते ही रास्ते हैं बाहर निकलने के लिए। और ये देखिए पहले हम वहाँ पे थे ऊपर, अब यहाँ पे आ गए नीचे। और बारिश का भी मौसम हो रहा है शायद, ऊपर ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, हम तो हेलीकॉप्टर बोलते थे इनको बचपन में। और ये देखिए, चलिए मैं अंदर से दिखाती हूँ आपको थोड़ा पास से। ये देखिए इसके अंदर देखिए बस यही है, यहाँ पे तो तहखाने ही है, सभी सेम सेम है। बारिश आना स्टार्ट हो गई है, भी आपको मैं बता रही थी कि बारिश का मौसम हो रहा है, और ये देखिए कितनी मोटी मोटी बारिश स्टार्ट हो गई है। ये यहाँ से अब बाहर निकल आए हम, वो सामने मस्जिद है वहाँ पे चलते हैं। ये यहाँ पे भी गेट है इसके पीछे वाली साइड का, अब तो बंद है ये। और ये देखिए यहाँ पे भी पेड़ के नीचे भी बैठने की जगह बनाई हुई है। दीदी थक गए हैं, थक गए दीदी? कितनी खुशी से बोल रहे हो। हाँ बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए कंप्लीट व्यू, अब ये यहाँ पे लाट की मस्जिद है, ये वाला पार्ट है। और ये कंप्लीट हमको दीदी दिखाने वाले हैं, दीदी की गाइडेंस में हम चलेंगे, क्योंकि पहले वाला तहखाने में गए हुए थे तो तब मैं दिखा रही थी, दीदी बोल तूने अच्छे से नहीं दिखाया, तो मैंने अब दीदी को कमान संभलवा दी है, दीदी आप दिखाओ। ये देखिए एक सेकंड, ये देखिए मैं बाहर से आपको पूरा गेट दिखा देती हूँ। हाँ जी अब बताइए, आवाज़ नहीं आई थी तब आपकी। मैं बोली कि गुंबद बोलते हैं इसको, गोल गुंबद, जो ये ऊपर आप देख सकते हो डोम शेप में बना रखा है। यस अलग-अलग फेमस है। और ये देखिए जालियां टाइप का वो बनाया हुआ है डिजाइन, कितना प्यारा लग रहा है करके, कितना अच्छे से। और इसमें भी देखो लोगों ने पास से दिखाओ कितना ऐसे, इतना टाइम कहाँ से आता है भाई, कैसे कैसे तुमने ये सब कर लिया, देखना क्या क्या खोद के रखा हुआ है इसके अंदर।
हर जगह पे अपना कुछ ना कुछ लिख के रख देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे लिखने से लड़कियां मिल जाती होती तो पता नहीं किस किस को कौन कौन मिल जाती। सही बात है। ये यहाँ से आई गेस कुछ वोटर का रहा होगा, आइडिया ही लगा पा रही हूँ मैं तो। कुछ पानी वगैरह की स्टोरेज वगैरह के लिए कुछ रहा होगा ये मस्जिद के साइड साइड में से। ऐसे एल शेप का बना हुआ है ये, और ये गुंबद काफी सुंदर है भाई। और ये काफी अच्छी उसमें है, अभी स्टेज पे है, मतलब खराब इतना ज्यादा नहीं हुआ है। बस ये लिख के इसकी सूरत बिगाड़ी हुई है लोगों ने। वहाँ से ये पूरा ऐसे बना हुआ है वो वाला पार्ट, और देखते हैं ये बीच में एक मीनार बनी हुई है। मीनार तो आई गेस पहले कुछ फेमस होता ही था, पूरे कल्चर का ही था, बहुत सारी जगह पे बना रखी है अलग अलग मीनारे। ये भी 1, 2, 3, 4 स्टोरी है, ये माइट भी 5th स्टोरी गिर गई हो। हाँ है थोड़ी सी 5th स्टोरी भी, थोड़ा सा कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ तो ये 5 स्टोरी मीनार बनाई हुई है, ये वाली भी काफी अच्छे से बनाई होगी पहले तो, अभी भी दिख रहा है कार्विंग का कुछ काम। हाँ। बट अभी थोड़ा सा ये खराब हो गई है बीच बीच में से, ये बीच में से तो कुछ ज्यादा ही हो गई है। देखना यहाँ पे ये लगाया हुआ है, टूटने को ही हो रही है। गेट के ऊपर कितनी सुंदर कार्विंग कर रखी है, गेट का ये पूरी शेप ये देखिए। आप कहाँ पे लेके जा रहे हो दीदी आप हमें? यहाँ पे भी काफी सुंदर है, बारिश हो रही है बाहर, देखो कितना अच्छा व्यू हो रहा है। देखिए बहुत जोर की बारिश आ रही है, और ये एरिया भी काफी सुंदर है। ये एरिया उस तहखाने वाले एरिया से खुला भी है, और थोड़ा सा ऐसे सेफ भी लग रहा है, थोड़ा सा उसमें वो बिल्कुल डार्क डार्क था तो थोड़ा डर सा लग रहा था। और वहाँ पे चमगादड़ थे और यहाँ पे कबूतर है, ये भी डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ है अंदर, यहाँ ये ऊपर बैठने की जगह है, कैसे है ऊपर जाने की स्टेयर्स हैं, ऊपर कुछ है और अंदर भी कुछ है। ये शायद वो होंगे यहाँ पे जो उसमें कभी देखते हैं पुरानी चीजों में कि यहाँ पे वो ऊपर बैठता है होता है, और फिर सामने माइक भी वैसा कुछ हो सकता है। ये यहाँ से स्टेयर्स देखो, ऊपर जाने की स्टेयर्स के लिए बंद कर रखा है, कितनी पतली पतली स्टेयर्स है, बिल्कुल पतली पतली स्टेयर से। ये देखिए, और ये इस साइड मतलब बाहर वाला ही एरिया बाहर से आने के लिए। और ये देखिए ऊपर, चल के दिखाती हूँ आपको स्टेयर से जाके। ये देखिए यहाँ पे चबूतरा टाइप का है, यहाँ पे कोई बैठता ही होगा शायद, और परजा नीचे बैठती होगी। चमगादड़ दिखाई दे रहे हैं आपको? आवाज आ रही है। ये यहाँ पे इसके नीचे भी कुछ खाली जगह है, और ये देखिए कितना अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे, देखिए। यहाँ से और जाता है, यहाँ से दो दोबारा से वही एंट्रेंस की साइड चले जाते हैं, यहाँ से एंटर किया था ना, यहाँ से उसी साइड चले जाते हैं। ये वही वाटर वाला जो बोल रही थी मैं, वही है। चलो कुछ रील्स बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। और आप रील्स मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, आसो दीदी भी मेरे साथ बनाने वाले हैं, हाथ पैर जोड़ के मनाया है मैंने इनको, तो देखते हैं क्या कुछ बनाते हैं। यहाँ से गुंबद देख सकते हो, गुंबद यहाँ से कितना सुंदर। हाँ यहाँ से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसके ऊपर भी जाने का है, लेकिन वो शायद गेट बंद है। पूरा ओवरव्यू दिखा देते हैं आपको, दूर से दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ से पूरा ओवरव्यू दिखा देते हैं ये लाट की मस्जिद का आपको, और ये है गुंबद जो हमने अभी देखा था, और ये पूरा है वो जो एरिया अभी देखा था अपन ने एल सेफ का बना हुआ, और ये मीनार है, और ये पूरा एरिया यहाँ पे खाली है। ये यहाँ पे कुछ रील्स बना लेते हैं अब। चलो बनाने वाले हैं रील्स, आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे,
और बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। स्टे ट्यून। अरे कहना क्या चाहते हो? हमें दादी ने भी ज्वाइन कर लिया है। दादी आ गई है हमारी, ये नाना की आ गई हुई थी तो ये भी आ गई है। आप तीनों ज्योति दी है ये, और हम इनको प्यार से दादी बोलते हैं। उसका भी रीजन मैं आपको कभी व्लॉग में बताऊंगी कि हम इनको दादी क्यों बोलते हैं। ये थोड़ी सी कैमरा कॉन्शियस है तो ये आती नहीं है, दिखाती है, लेकिन होती है मेरे साथ हमेशा, हमेशा मेरे साथ होती है, लेकिन ये कभी दिखाई नहीं देती, थोड़ा थोड़ा कभी कभी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का व्लॉग, हमने देखा फिरोज सा पैलेस और लाड़की मस्जिद। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, बारिश भी हुई और मौसम भी काफी अच्छा था। अच्छी जगह है, हिसार के आसपास भी हो या हिसार में हो तो आप विजिट कर सकते हो। 10 से 6 बजे तक खुला रहता है, आराम से आप आके विजिट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो साइड में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून गाइस।